वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज आप हम पंजाब नेशनल बैंक स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले। तो पंजाब नेशनल बैंक स्टॉक की बात की जाए तो 31.65 पे रिसेंटली ट्रेडिंग करता हुआ नजर आ चुका है पीएनबी बैंक स्टॉक, यानी कि 35 पैसे की आज गिरावट हो चुकी है। 1% तक फिर से गिरावट देखने को मिले पंजाब नेशनल बैंक स्टॉक में। जैसे भी यहाँ पे देखा जाए तो आज के दिन के मूवमेंट, तो आज पूरे दिन भर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोअर ट्रेंड यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यानी कि गिरावट होते होते नीचे जा रहा था हुआ नजर आ चुका है पंजाब नेशनल बैंक स्टॉक। गैप अप से ओपन ऊपर हुआ था, ओपन होने के बाद यहाँ पे 32 लेवल के ऊपर ओपन हुआ, रेजिस्टेंस लगते ही गिरावट हो चुकी थी। जैसे प्रीवियस क्लोजिंग को ब्रेकआउट दिया तो और गिरावट देखने को मिली, यानी कि 32 लेवल ने एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम किया। वैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग गिरावट यहाँ पे नीचे के साइड देखने को मिली, यानी कि ओपन प्राइस 32.10 थी, हाई बनाया था 32.25 का और लो है 31.50 का। मार्केट कैप भी देख सकते हो 34.85,000 करोड़ का है। पी रेशियो जो है 8.97 और डिविडेंड यील्ड 2.02% का। तो पिछले 5 दिनों की भी मूवमेंट देखी जाए तो पिछले 5 दिनों में यहाँ पे बाइंग साइड में एक अच्छी मूवमेंट बना था, चला गया था, पर फिर से यहाँ पे रिसेंटली आज के दिन में गिरावट देखने को मिले। चार्ट एनालिसिस पे भी नजर डाली जाए तो मंथली पिवट को कल ब्रेक करके ऊपर चला गया था यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक स्टॉक, तो आज उसी मंथली पिवट को आज फिर से ब्रेकआउट दिया और नीचे गिरावट देखने को मिल रही है। तो पंजाब नेशनल बैंक स्टॉक यहाँ पे आप देख सकते हैं वो मंथली पिवट जो है उसको ब्रेक करके नीचे आता है तो 30 लेवल तक आ सकता है। 30 लेवल जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, जबकि 30 लेवल से फिर से बाउंस बैक भी हो सकता है पंजाब नेशनल बैंक स्टॉक। तो ये लेटेस्ट अपडेट पीएनबी बैंक स्टॉक के लिए।